जोधपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। बहुचर्चित एएनएम भवरी देवी अपहरण हत्या मामला, हाईकोर्ट से मिली 5 आरोपियों को जमानत। कैलाश जाखड़, विश्नाराम, अमरचंद, महिपाल मदेना, अन्य को जमानत मिल गई है। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता नीलकमल बोहरा, जगमाल सिंह चौधरी, यशपाल खिलेरी ने पक्ष रखा। जस्टिस देवेंद्र सिंह कछवाहा की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई है। तो ये राहत मिली है 5 आरोपियों को जिन्हें जमानत मिली है, और इनका नाम भी आपको बता दें, कैलाश जाखड़, विश्नाराम, अमरचंद, महिपाल मदेना, जिन्हें जमानत मिली है। हाई कोर्ट से 5 आरोपियों को जमानत, इस वक्त की ये बड़ी खबर। और ये कौन कौन से आरोपी हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं ये 5 आरोपियों के नाम जिन्हें राहत मिली है। और अधिवक्ता नीलकमल बोहरा, जगमाल सिंह चौधरी, यशपाल खिलेरी ने अपना पक्ष रखा था। जस्टिस देवेंद्र सिंह कछवाहा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई थी। तो मामले की सुनवाई हुई, जमानत की याचिका दी गई थी, जिसके बाद जो अब इनको जमानत दी गई है। 5 ऐसे लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे नाम इस पूरे मामले में सामने आए थे जिसके बाद जेल हुई थी। हालांकि अब जमानत के लिए अर्जी दी गई, याचिका की गई, जमानत इनको मिल गई है, राहत थोड़े समय की मिली है। और ये 5 नाम भी हम आपको बता रहे हैं जिन्हें राहत मिली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और हमारे साथ शिव प्रकाश, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शिव प्रकाश, 5 लोग जिन्हें जमानत मिली है जी, पूर्व मंत्री महिपाल मदेना को आज हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान उन्हें जमानत देने पर लगभग जो है सहमति बन चुकी थी, लेकिन अंतरिम जमानत पर होने के कारण, तकनीकी कारणों से उन्हें उन दिन जमानत नहीं मिल पाई। इस मामले पर कल सुनवाई होनी थी, लेकिन महिपाल मदेना के अधिवक्ता जो प्रदीप चौधरी और जगमाल चौधरी हैं, उन्होंने आज ही एप्लीकेशन लगाकर हियरिंग करने का आग्रह किया था, जिस पर हाईकोर्ट ने उसे स्वीकार किया और महिपाल मदेना को जमानत मिली है। साथ ही इस मामले में जो अन्य आरोपी हैं, विश्वाराम, कैलाश, उनको भी जमानत दी गई है। इस मामले में जो सह आरोपी है इंदिरा विश्नोई, उसकी जमानत याचिका को खारिज किया गया है। जी जी। और जब ये सुनवाई हुई थी अदालत में, क्या कुछ रहा था, क्या पक्ष रखा गया था? जी, सुप्रीम कोर्ट की और परसराम विश्नोई को जब जमानत दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी आरोपी को केवल जांच पेंडिंग होने के नाम पर लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने परसराम विश्नोई को जमानत दी थी। उसके बाद अन्य आरोपी है, उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत लगाना प्रारंभ किया और उनकी हर जमानत याचिका है वो स्वीकार हुई है। तो कहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अन्य जो आरोपी हैं उनको राहत मिली है, और उसी आधार पर उन्हें जमानत दी गई है कि केवल लंबे समय तक जांच जो है पूरी नहीं हुई, इसके लेकर के लंबे समय तक उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता है। जी जी। और शिव प्रकाश, क्योंकि महिपाल मदेना जो है मुख्य आरोपी थे, और क्योंकि स्वास्थ्य का हवाला इनका दिया जा रहा था कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस आधार पे जमानत दी गई है? जी, जमानत मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी कि वह इलाज करवा सकते हैं, लेकिन जो नियमित जमानत है वह इसी आधार पर दी गई है कि पिछले लगभग 9 वर्षों से अधिक जेल में बंद हैं, इसलिए अब अंतरिम जमानत दिया जाना कहीं ना कहीं आवश्यक समझा कोर्ट ने, और इसलिए उन्हें नियमित जमानत का लाभ। जी, और हमारे साथ दिव्या मदेना खुद जुड़ गई हैं। दिव्या जी, महिपाल मदेना जी को मिल गई है जमानत, महिपाल मदेना को, क्या कुछ कहेंगे आप? मुझे लगता है सितारों ने भी राहत की है, आंखें पथरा गई थी, बहुत जबरदस्त इंतजार था, और परिवार में बेटी के रूप में मेरा नहीं, मुझे लगता है मारवाड़ के हर किसान को इस पल का इंतजार था। और किसान वर्ग से जो भी आता है, पूरे समस्त राजस्थान में किसान वर्ग में खुशी की लहर है, और मैंने हमेशा कहा कि हम निष्कलंक इससे बाहर निकलेंगे। मैं केस पे तो शायद सब्सिडी से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, पर हाँ, खुशी का माहौल है, और मुझे लगता है मैंने 10 साल में कभी दिवाली नहीं मनाई उनके बाद, अब हमारे लिए आज शायद त्योहार जैसा, दिवाली जैसा दिन। जी, कैसा आपको लग रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए कहा जा रहा था कि स्वास्थ्य उनका सही नहीं है, अंतरिम जमानत भी तब मिली थी? जी हाँ, वो सर्वजित है कि वो अपने इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए बॉम्बे थे, और अभी भी वो अपने के लिए अस्पताल में भर्ती थे, बट मुझे लगता है कि वो फिर भी घर आ सकेंगे, हमारे बीच आ सकेंगे, और इस बात की हमें बहुत ज्यादा खुशी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या जी जुड़ने के लिए हमसे। और हमारे सहयोगी शिव प्रकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिव प्रकाश, जैसे कि अभी दिव्या मदेना जो महिपाल मदेना की बेटी हैं, विधायक भी हैं, उनसे बातचीत हुई, और उनका ये कहना कि आंखें पथरा गई थी, बहुत लंबा इंतज़ार था, होली दिवाली के त्यौहार हमने नहीं मनाया था, और अब जब वो बाहर आ रहे हैं, जमानत पर बाहर आ रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, महसूस अच्छा हो रहा है।
शिव प्रकाश से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये खबर जोधपुर से है और एक लंबा अरसा, बहुत लंबे पुरानी ये कहानी, जब शुरू हुई सियासत राजस्थान उसमें भूचाल आ गया था और बहुत नाम जो है इस समय सामने आए थे और उन्हीं में से एक नाम था महिपाल मदेना का, जो मुख्य आरोपी के तौर पर थे। इसके अलावा पूर्व विधायक मलखान सिंह बिश्नोई, उनका नाम भी सामने आया था। हालांकि आपको बता दें उनको भी जमानत मिल चुकी है और महिपाल मदेना जो फिलहाल स्वास्थ्य कारणों को लेके चल रहे थे अंतरिम जमानत पर, और अब उनको जमानत मिल गई है तो थोड़ी राहत उनको समझ मिल रही है।